नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। ठंड के सीजन में गाजर की खेती करना भी एक अच्छा विकल्प है अच्छी आमदनी लेने के लिए, क्योंकि ठंड के सीजन में गाजर की खेती करना आसान है अन्य सीजन की तुलना में। गाजर की सफल खेती किस तरह से करें जानेंगे इस वीडियो में। आगे हम इस वीडियो में मुख्यतः इन चार पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, गाजर की खेती का सही समय क्या है। दूसरा, गाजर की खेती के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। तीसरा, गाजर में बीज बुआई का तरीका। चौथा, एक एकड़ गाजर की खेती से हमें कितना उत्पादन और कितनी आमदनी होती है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम गाजर की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिसके जरिए हम गाजर की खेती से मिलने वाली आमदनी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गाजर की खेती हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट है तो यह और भी उपयुक्त होगा, लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी पथरीली है तो आप गाजर की खेती ना करें, क्योंकि गाजर की जड़ों को फैलने के लिए हमें मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है और पथरीली जमीन में गाजर की जड़ों का विकास कम होता है, इसलिए आप गाजर की खेती के लिए पथरीली मिट्टी का चुनाव ना करें। बात करें अगर मिट्टी के पीएच मान की, तो गाजर की फसल के लिए 6 से 7 के बीच का पीएच मान सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, गाजर की खेती का सही समय क्या है। गाजर की फसल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए गाजर की खेती की बुआई का सबसे उपयुक्त समय सितंबर और अक्टूबर का महीना है। पर अगेती में बहुत से किसान भाई 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में गाजर के बीजों की बुआई करते हैं और गाजर की कुछ किस्मों की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में भी होती है। पर अगर सबसे उपयुक्त समय की बात की जाए तो वह सितंबर और अक्टूबर का महीना है, यानी कि आप 15 सितंबर के बाद से अक्टूबर के महीने तक गाजर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, गाजर की खेती के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। तो आप सनग्रो कंपनी की 2 वेराइटी है इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। पहली हमारी आती है सनग्रो सुपर रेड के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। इस कंपनी के बीजों की बुआई आप खरीफ और रवि दोनों सीजन में कर सकते हैं। इसके अलावा आप सनग्रो कंपनी की सनग्रो देसी रेड के सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके भी बीजों की बुआई आप खरीफ और रवि दोनों सीजन में कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पूषा की, तो पूषा में आप पूषा वृष्टि और पूषा रुधिर के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों के अलावा आपके एरिया की कोई भी उन्नत किस्म है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीज बुआई के पहले हमें बीज का उपचार अवश्य करना है। इसके लिए आप साफ पाउडर ले सकते हैं। 1 किलो बीज के हिसाब से 4 से 5 ग्राम आप साफ पाउडर लें और उसे अच्छे से मिला दें, और उसके बाद आप बीजों की बुआई करें। जब आप बीजों का उपचार करते हैं तो शुरुआती दिनों बीजों के ऊपर जो शुरुआती दिनों में रोग लगते हैं आप उनका कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बीज बुआई के पहले आप बीज उपचार अवश्य। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, बीज बुआई का तरीका और खेत की तैयारी किस तरह से। गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे खेत की मिट्टी काफी महीन होना चाहिए ताकि गाजर की जड़ों का अच्छे से विकास हो, इसलिए आप सबसे पहले हल्की जुताई कर दें, और अगर आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आप उसके लिए खेत में एक बार रोटावेटर चला दें। आप खेत में बेड निर्माण करें, एक बेड की दूसरे बेड से बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और बेड की चौड़ाई भी आप 2.5 फीट ही रखें। इस बेड के ऊपर आप गाजर के बीजों की बुआई कर दें। अब बहुत से किसान भाइयों का यह सवाल रहता है कि उनकी जो गाजर की जड़ें रहती है वह काफी छोटी रह जाती है, तो इसका कारण यह रहता है कि आपके खेत की मिट्टी अंदर तक महीम नहीं रहती, क्योंकि गाजर की जड़ों को फैलने के लिए महीम मिट्टी की जरूरत होती है। इसलिए हमने आपसे बोला है कि आप बेड बना लें और बेड के ऊपर बीजों की बुआई करें, क्योंकि बहुत से किसान भाई छिड़कन विधि से क्यारियां बनाकर बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसमें गाजर की जड़ों का अच्छे से विकास नहीं होता है, क्योंकि गाजर की जड़ों को विकास के लिए आप बेड बनाएं। बेड की ऊंचाई 14 इंच के आसपास रखें, जिसके अंदर हमारे गाजर की जड़ें अच्छी तरह से फैल जाएं। इसके अलावा गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए आप NPK 0:52:34 1 किलो और माइक्रोन्यूट्रेंट 250 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी गाजर की फसल पर डाल दें। इससे आपकी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा।
गाजर की खेती में बहुत से किसान भाइयों का यह सवाल रहता है कि क्या हम गाजर की खेती में खरपतवार नाशक पेंडा मेथिलीन 37.5 का उपयोग कर सकते हैं नहीं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों को यह सुझाव है कि आप गाजर की खेती में खरपतवार नाशक का चुनाव ना करें, विशेषकर आप पेंडा मेथिलीन 37.5 को अपने खेत में ना छिड़के, इससे आपकी फसल खराब हो सकती है। जितना हो सके गाजर की खेती में आप खरपतवार का निवारण मजदूरों की सहायता से ही करें। गाजर की खेती में आपको दो बार निंदाई गुड़ाई की जरूरत लगेगी। अब पहली निंदाई गुड़ाई आप 25 से 30 दिन के बाद में कर सकते हैं और दूसरी निंदाई गुड़ाई आप 55 से 60 दिन के बाद में कर सकते हैं। अब इसका भी समय निर्भर करता है कि आपके खेत में कब निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता है, तो यह आपको ही पता करना होगा। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, 1 एकड़ गाजर की खेती से हमें कितना उत्पादन मिलता है और हम कितनी आमदनी ले सकते। तो 1 एकड़ गाजर की खेती से आप मिनिमम 100 क्विंटल के आसपास तो उत्पादन मिल ही जाता है। बात करें अगर हम आमदनी की, तो अगर आपको 10 रुपए का भाव मिलता है तो 1 एकड़ गाजर की खेती से आप 1 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकते हैं। और अगर आपको 7.5 रुपए किलो के आसपास का भाव मिलता है, क्योंकि ठंड के सीजन में थोड़ा भाव कम रहता है, तो आप गाजर की खेती से 75,000 रुपए की आमदनी ले सकते हैं। आपकी आमदनी निर्भर करती है कि आपको गाजर की खेती में मंडी में कितने रुपए किलो के आसपास का भाव मिलता है। आप गाजर के बीजों की बुवाई छिड़कन विधि से ना करें। आजकल गाजर के बीजों की बुवाई के लिए मशीनें आती है, तो आप मशीन की ही सहायता से गाजर के बीजों की बुवाई करें। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम गाजर की फसल के साथ में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके गाजर की खेती से मिलने वाली आमदनी को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आप गाजर की फसल के साथ में प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। प्याज की फसल के अलावा आप बीन्स, लहसुन, टमाटर, मटर और लेटस, इन फसलों के साथ भी आप गाजर की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब इन फसलों के साथ में हम गाजर की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें, अगर आप इस पर डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो अभी तक भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।